सर नहीं मैडम सो हे गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये रही पीयू, अभी रेडी हो रही है। आज हम जा रहे हैं, मेरे भैया की स्कूल है, मेरे भैया गवर्नमेंट टीचर है। पीयू ने मुझे सजेशन दिया कि भैया की स्कूल चलना चाहिए क्योंकि स्कूल बहुत अच्छी है। तो हाँ। आज मैं, पीयू और गांधो तीनों जा रहे भैया की स्कूल, बहुत अच्छी है। कल मैं गई थी और बच्चे भी मतलब बहुत होशियार है और मैंने भी पढ़ाया था उनको। गांधो तो यूपीएससी एस्पिरेंट को पढ़ाती है, एक्सपर्ट है। तू पांचवी तक तो पढ़ा ही सकती है। ये रही गांधो, गांधो रेडी हो चुकी, चले गांधो। तो पीयू ये चॉकलेट ले रही है बच्चों को बांटने के लिए ना। हाँ। गांधो आ जा, बस बहुत अच्छी लग रही है आज। ये क्या कर रहे हो? बैठ रहे बैठ रहे भाई, चलो हम जा रहे हैं। तो ये हमारे घर का गेट और यहाँ से थोड़ी सी ही दूर स्कूल है, 30 सेकंड में पहुंच जाएंगे। ट्राइपॉड लिया तुमने? ट्राइपॉड लेके जा। पहुंच चुके भैया के स्कूल, भैया अंदर पढ़ा रहे, हमें एंट्री नहीं मिली अभी तक, हम वेट कर रहे हैं। गांधो परमिशन मांगी तूने? हां मैंने। मैं एक मिनट सर, ऐसे करो। धूम्रपान निषेध क्षेत्र, प्रधान अध्यापक कक्ष और सुस्वागत। अंदर आए सर, ये के दांत निकल दिए, दांत निकल। चलो वेलकम वेलकम। बता पीयू कुछ बता। वेलकम पीयू गांधव भाई, आप सभी ऑडियंस का मेरे विद्यालय में बहुत बहुत स्वागत है। ये अभी मेरा विद्यालय प्राइमरी का है और नया विद्यालय, इससे पहले हमारे घरों में विद्यालय नहीं था। ये सारी जो है विद्यालय के अंदर आप सारी जो व्यवस्थाएं देख रहे हैं, ये महापुरुषों की तस्वीरें, कोटेशन, ये सारी सामग्री हम अभी जन सहयोग से हमने इकट्ठा की है। अस्थायी भवन है जहाँ पर ये विद्यालय संचालित किया जा रहा है। मैं गांधव को बोलूंगा कि कुछ बच्चों को थोड़ा पढ़ाएं। हाँ गांधव पढ़ेंगे। थैंक यू। तो उसी हिसाब से बता दी कौन कौन सी क्लासेज है। सभी क्लासेज कॉमन ही है अभी। बिटा दे तेरी इच्छा जो। कैसी लगी स्कूल तेरे को? बहुत अच्छी लगी। सबसे अच्छी तो मुझे बच्चे ही लगे। अब गांधव पढ़ा रही है बच्चों। आप खड़े हो जाओ। आप क्या नाम है? कौन सी क्लास में? काम आते खट्टा मीठा सबको भाई, सभी फलों का राजा आप, खट्टा मीठा ताजा आप। ये कल्पना है, आप जानते हैं सब। पहले आपका नाम क्या है? चिड़िया बोली, बच्चों ने तभी आंखें खोली, अच्छे बच्चे मंजन कर। खड़े हो जाओ, आज आ गया। तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो, नाम बोलो। नाम लिखा हुआ नहीं है लेकिन फिर भी ये बच्चा पढ़ने में होशियार है। तू अब क्या कर रही है पीछे? तो ये क्या है? तो इसको तो आपने स्लेट पढ़ा और इसको आपने स्कूल क्यों पढ़ा? बता तुम बता। और न, अगर आदेश के बाद इन पांचों में से कोई भी एक अक्षर अगर यहाँ आता है तो आप उसको आधा स ही पढ़ोगे, और इनके अलावा कोई भी आता है आप आदेश को क्या पढ़ोगे? इस पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? बच गई। ये कचरा मत बना, इसमें डालो सारे। सर जी को दे रहे हो। आपने सभी इस विद्यालय की सारी व्यवस्थाएं देखी। अभी विभाग और सरकार की ओर से हमें सिर्फ इस विद्यालय का नाम मिला है, बाकी सारी हमने व्यवस्थाएं खुद के पैसों से और घर के हिसाब से की है। और दूसरी मैं सबसे बड़ी बात ये बताना चाहता हूँ कि जब ये गांधव पीयू ये सब छोटे थे तब यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर विद्यालय था, वहाँ पढ़ने जाया करते थे। लंबे अरसे बाद ये विद्यालय हमारे घरों में खुला। तुमने सजेशन दी थी इस स्कूल आने के लिए, ठीक है बता इसमें सबसे अच्छा क्या लगता है? तो ये सारी फैसिलिटी स्कूल की
इतने सारे बच्चे आज मेरे भैया पीयू को सौंप के गए इसके स्कूल की छुट्टी करने वाले सब पीयू के आदमी छुट्टी वगैरह करने का चार्ज किसको दिया है मुझे कुछ बता स्कूल के बारे में कैसे लगी स्कूल मतलब पहले एक मतलब हॉल था एक जैसे स्कूल जैसे माहौल बना दिया एक जैसे तो देखो सर हमारे ऐसे बैठे हैं ये वाले पीयू का अब क्या है नींद आ रही है यहाँ पे बच्चों छुट्टी करनी है आपको पढ़ाई करोगे ऐसे बोलो मैं हम पढ़ाई करेंगे छुट्टी तो हम ही करेंगे अभी बोल रहे छुट्टी चाहिए हमें सर नहीं मैडम ते बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हाँ सबका कहना मानते सबसे क्यूट बच्चा ये वाला सबसे क्यूट बच्चा जो बोलूं बोलूं सबसे होशियार ये पढ़ना है क्या हाँ पीयू पढ़ा रही है बच्चों को 19 साल मिटा दे मैंने लिखे थे हमें अभी तक इंग्लिश नहीं आती है हमारे स्टूडेंट अभी छोटे हैं इसलिए इतनी मतलब सारे बच्चों को आप खुद के जैसा बना रही है इंग्लिश हमें नहीं आती है ये नहीं है आपको मैं बाकी सिखाती हूं आपको दौड़ तो आती है अच्छे बच्चे हो ना हो गया तो सारे यार फोटो खींचते हैं पीयू ना तो आप सेंटर में खड़े रहना ठीक है ये स्कूल के सारे बच्चे हैं अभी इनका फोटो ले रहे हैं पीयू हां मैं मारे कर ले पीयू अब छुट्टी कर दे तेरे को बोल गए भैया बच्चों छुट्टी हो गई बोल छुट्टी हो गई आराम से सारे बच्चों की छुट्टी कर ली है सारे बच्चे चले गए पीयू और गांधो गेट बंद कर रहे हैं स्कूल गेट बंद मैं कर रहा हूं ओके अब पीयू फाइनली गेट बंद करी है स्कूल आपको छुट्टी भी करनी है यार गांधो रुक जा चलते साथ में चलें तो अभी सारे बच्चों को छुट्टी हो गई है अब जा रहे घर पे तो ये पहले सभा भवन था और इसको चेंज कर और जितने भी जो गांव के लोग हैं उनके कंट्रीब्यूशन से ही इनको चेंज करके स्कूल का रूप दिया है ठीक है खाना खिला दे इसको गांधो खाना खा लिया स्नान कर ले स्नान कर जल्दी दाल खा दाल मूंग की दाल मेरी फेवरेट दाल है अभी आराम से आऊंगा कौन से कॉम्पिटिशन क्लियर करना मेरे तो ये हमारे गेट का घर